हर्ष का विषय है कि आज हिंदी भाषा दिवस भी है और हमारे झूलेलाल साहिब का जन्मोत्सव भी है। मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दें झूलेलाल जी को। जो कह दिया वो कर दिया, ये मोदी की गारंटी की, ये जो मोदी जी का स्वभाव है और ये मोदी है तो आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दें झूलेलाल जी को। माइक बंद करा, माइक स्वागत करेंगे। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हिंदी भाषा दिवस भी है और हमारे झूलेलाल साहिब का जन्मोत्सव भी है। हमें ऐसा कभी याद नहीं है कि कई वर्षों से पिछले 31 वर्षों से हम कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे बड़े भाई जब विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रहे, पर्यटन अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, वो लाल सवाई आज के चेटीचंड के महापर्व की अलग अलग बधाइयां मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना। खासकर नया वर्ष प्रारंभ होता है और खास हमारे अपने लिए उज्जैन तो दोहरा आनंद देता है। विक्रमादित्य का विक्रम संवत 2081, पिंगल नाम संवत्सर और चेटीचंड का आनंद, पूरा शहर कल से आज तक एक अलग आनंद में डूबा है। और उज्जैन में तो खासकर शिवरात्रि से लगा करके राम जी के लिए नवमी तो दूर है, पर गुड़ी पड़वा तक ही इतना जबरदस्त व्यापार मेला लगा है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मैं अपनी ओर से, उज्जैन वालों की ओर से, मध्य सरकार की ओर से, प्रदेश के और देश के सारे मोटर व्हीकल व्यापारी व्यवसायों को भी बधाई देना चाहूँगा। लगभग सवा, मेरी जानकारी में जो आया है, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू यहाँ हम सबको मिला है और 23,000 से ज़्यादा वाहन बिक्री हुए हैं उज्जैन से। ये पहली बार का प्रयोग था। हमारा 102 करोड़ का ग्वालियर का लक्ष्य रहा है और ग्वालियर से भी आगे पहले साल में 125 करोड़ का ये रेवेन्यू मिलना, ये अपने आप में बड़ा एक आंकड़ा है। और इस अवसर पर 50% छूट जिन हितग्राहियों को मिली उनको भी मैं बधाई देता हूँ जिनने जिनने वाहन उठाए। 50% का एक तरह से मदद मिलना, ये हर वाहन व्यवसायी के लिए और वाहन क्रेता के लिए दोनों के लिए अलग प्रकार का आनंद था। खास करके हमारे भगवान झूलेलाल के आज का जो आनंद है, हम सब जानते कि हमारे भगवान ने जो कृपा करी है और सिंधु देश के तो वो निवासी हैं जिनने अपने पुरुषार्थ पराक्रम से अपने उस स्थान को छोड़ा जिस स्थान से जन्मों जन्मों से संबंध था, लेकिन छोड़ने का बड़ा कारण ये भगवा है। हम सब के लिए आनंद की बात है। केवल धर्म और धर्म के ऊपर सिर के अंदर होने वाली चोटी, हिंदू समाज का हम बने रहे, इस बड़े समाज का हिस्सा है तो जहाँ जाएंगे वहाँ पुरुषार्थ से झंडे गाड़ेंगे। मैं समूचे सिंधु समाज को बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने पुरुषार्थ पराक्रम से अपनी पुनः गृहस्थी खड़ी करते हुए दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। परमात्मा चाहेगा आज नहीं तो कल जय झूलेलाल करेंगे, जहाँ से करना चाहिए था हमारे लिए कोई पीछा नहीं रहेगा। और ये खास बात, माननीय मोदी जी ने SEC कानून जो बनाया है, चाहे हमारा अपना अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जो वहाँ के नागरिक थे उस कारण बंटवारे में छूट गए थे तो उनको लगा कि अब हमारे लिए वाकई में ये अनुकूलता नहीं है, तो कांग्रेस ने लाख अड़ंगे लगाए, पूरे देश में सारे विपक्षों ने कुछ भी बोला, लेकिन ये मोदी जी की विशेषता है, जो कह दिया वो कर दिया। ये मोदी की गारंटी की, ये जो मोदी जी का स्वभाव है और ये मोदी है तो तभी मुमकिन होता है कि भाई हमारे देश के हैं उज्जैन के नागरिकों को लाभ मिला जो वर्षों पहले पाकिस्तान रहते थे, लेकिन देश के उस बंटवारे के पहले तो वो हिंदुस्तान तो था, वो कहाँ बाहर का था, वो तो अपने घर में ही आए।
लेकिन घर में, घर के लोग घर में आए और उनको कानून से कोई रोके, मोदी जी के राज में संभव नहीं है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस अखंड भारत की व्यवस्था में, पहले बंटवारे के पहले कहीं भी थे, लेकिन अपने देश में आकर के अपने मिला के चलना चाहते हैं तो उनको महत्व मिलना ही चाहिए। और आज के इस अवसर पर हमने तो अपने पाठ्यक्रम में भी अपने सिंधु समाज के गौरवशाली इतिहास को रखा है, ताकि ये जो इतिहास उसका परिचय सबसे मिले। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर महेश परियानी जी और उनकी पूरी टीम, इस अवसर पर रूप पमनानी जी से लेगा करके हमारे सारे एक एक संतोष लालवानी, जेपी कृपलानी, नाम बोलूँगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, दौलत खेमचंदानी, संतोष गोपाल बलवानी, भाभी जी ने कहा समझ सिंधी बनवाद, ये ठीक है। तो मेरी अपनी ओर से आज स्वर्गीय हमारे पूर्व विधायक और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, हमें उनको कॉलेज के समय से आदर्श मानता था, स्वर्गीय शिवा भैया ने ये शुरुआत कराई थी हमारे सिंधु जागृत समाज के माध्यम से। उज्जैन में अच्छी गतिविधियाँ चलती थी, हम सब आज भाभी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब मिलकर के हर साल और आनंद के साथ मनाएं, चूँकि आज आचार संहिता है तो मेरे लिए कुछ घोषणा करना संभव नहीं है और करना भी नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में और पूरे साल गतिविधि चले, ऐसे कई कार्यक्रम बनेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे समाज को बधाई। आयो लाल सवाई चा बेड़ा भैया भाई, असल मतलब।